और आज इनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि आपका एज अ सीआर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में क्या माँ सरस्वती का प्रतिमा ये कितना खूबसूरत है। ये जस्ट हमारा ए ब्लॉक के सामने है। ए ब्लॉक सबसे पहला जो ब्लॉक हमारा एंट्री करते के साथ है वो यही ए ब्लॉक है। तो चलिए हम इस ए ब्लॉक के एंट्रेंस गेट के पास से एंट्री करते हैं और एंट्री के साथ ये देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। कोई भी नहीं कह सकता है कि ये कॉलेज है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है, जैसे कोई मॉल जैसा प्रतीत होता हो। तो आइए जानते हैं, हमारे सेक्शन के स्टूडेंट से मिलवाते हैं जो बहुत ही होनहार हैं और सबसे राय जानते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी एक साल तक, एक साल हो चुका है और ये 3D प्रिंट के द्वारा बनाया गया है। कितना खूबसूरत सा ये प्रतिमा है। कोई बात नहीं, लो बना लिया, बताओ। हाँ अनमोल भाई, जरा अपने बारे में बताना कुछ। बस भाई, कैसा एक्सपीरियंस किया ये एक साल में हम लोग के साथ? एक नंबर एक्सपीरियंस है तुम लोगों से। तुम जैसे भाई मिले तो मजा आ गई। कॉलेज का एकदम जिंदगी एकदम मस्त हो गई। कॉलेज का जिंदगी जी ली यार, दिल खुश हो गया भाई एकदम। मनु आप बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस अभी थोड़ी देर बाद आपको। अच्छा, अभी बिजी है थोड़ा। और कुछ लोग हैं, हमसे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे ही क्लास के हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये आमिल भाई। हेलो भाई, कैसे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये एक साल? एकदम बकवास। तो किस टाइप का बकवास रहा कुछ बता सकते हैं? क्लासें करते करते परेशान हो गए, बताओ ऐसे कुछ। क्लास करते करते परेशान हो गए बहुत ज्यादा। और ये सचिन है। सचिन हेलो, कैसे हो? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। और ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ स्टडी, एज अ एंजॉयमेंट? ये देखिए पढ़ाई चल रहा है, अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में। और हाँ, ये अमन है हमारे। हेलो अमन, कैसे हो? हेलो भाई। अच्छा भाई, अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, क्योंकि मैं सबसे एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक साल में कैसा रहा यहाँ पे। भाई एज ए स्टडी कैसा रहा? को पैसा बर्बाद पहन चोर। और ये होनार स्टूडेंट, ये हमारी शिवानी, कैसी हो? हेलो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और अभी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत गंदा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आज तो लास्ट है, तो मतलब जो भी हो देख लेते हैं। लास्ट है, अभी पूरा एक साल है। वो तो है। और ये सब हमारे क्लास के ही हैं, मतलब होनहार बच्चे हैं। और कुछ लोग और हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। और ये मनीषा, कैसी हो? अच्छी। पढ़ाई कर रही हो? चलो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, मिलेंगे फिर बाद में। और ये हमारे अभिषेक, कैसे हो अभिषेक? हेलो अभिषेक, कैसा अपना एक्सपीरियंस बताया गलगोटिया यूनिवर्सिटी? ये वन रहा एक्सपीरियंस भाई। क्या ए वन एक्सपीरियंस रहा? बस हमको अटेंडेंस के कारण बहुत दिक्कत हुआ है। किस टाइप में ए वन एक्सपीरियंस रहा आपका? पढ़ाई लिखाई में, लेकिन अटेंडेंस में हमको बहुत दिक्कत हुआ है। अटेंडेंस में दिक्कत रहा थी। ले लिया 30% पे और अनाउंस किया था 75%। बाकी यहाँ के फैकल्टी सब कैसे हैं, पढ़ाते अच्छे? फैकल्टी एवरेज ठीक ही हैं, कुछ ठीक हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन एवरेज ठीक ही मानो उनको। आज तो लास्ट है आपका एग्ज़ाम का, तो कैसा है, मतलब कैसा फील कर रहा है? आप लोग से समय के लिए चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और ये हमारी श्रुति, कैसी हो श्रुति? कैसा एक्सपीरियंस यहाँ का आपका बताइए। देख कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं आफ्टर एग्ज़ाम।
और भी बहुत लोग हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना है, मिलवाते हैं आपसे बाहर। और ये हमारी रमसा जो अभी आई है, जस्ट कंफर्टेबल होने देते हैं। हाँ, और ये हमारा ए ब्लॉक का कुछ कंपार्टमेंट देख रहे हैं इस तरह से। आफ्टर एग्ज़ाम मिलते हैं, अभी फ़िलहाल बहुत लोग बिजी हैं अपना अपना तैयारी करने में। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग एग्ज़ाम का पेपर का तैयारी कर रहे हैं। ये देखो बच्चे शेडिंग करते हैं, ऐसे करते हैं ये बच्चे शेडिंग, ऐसे पास होते हैं ये एमबीए। कल को जाके ये लड़की, हेलो सनाली कैसी हो, एक बार हाथ मिला लो, किसी को डांट ना पाए। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका दरभंगा यूनिवर्सिटी में? बहुत बेकार, बहुत ज्यादा बहुत कार्य प्रगति पे। एमबीए में बच्चे ऐसे ही होते हैं। हो गया। और ये बहुत अच्छे अच्छे लोग इंटरव्यू हमें देखो, हमें इतनी मेहनत हो रहा है। हेलो कैसे हैं आप, कैसे हो? कैसे ब्रदर? और भाई बढ़िया। भाई अपना बताओ, आपका एक्सपीरियंस गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कैसा रहा एज ए स्टडी? मुस्कुराइए, आप गलगोटिया में। चलिए आप लोग अभी तैयारी करें, फिर आप आफ्टर एग्जाम आप लोग से मिलते हैं। बाय ब्रदर। आया इसके पहले भी तो ट्रिप आया है? देखा हुआ है। काम खत्म हो गया फोटो नहीं आई लास्ट। और ये ब्रदर हमारा, ये भी बहुत ही जेन्युइन बंदा है यार, क्लास में बहुत ही मजा आ गया। लेकिन इसके साथ रहते रहते तेरे साथ भी बहुत मजा आया भाई, ऐसा सबसे मिलते हैं आफ्टर एग्जाम, सबसे मिलेंगे। माय गर्लफ्रेंड यू इसकी बन गई। लगभग सब तो आ गए, एक और कुछ कुछ और बच्चे हैं जिनसे मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपका। कैसी हो? हेलो, कैसा है पेपर का तैयारी, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं हुआ अभी तो, अब देखेंगे। ये हमारी संजना तिवारी हैं, जो इनका एक्सपीरियंस मैं पूछूंगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एवरेज। आफ्टर एग्जाम मिलते हैं, अगर 2-3 मिनट टाइम होगा तो फिर मिलते हैं हम लोग अच्छे से। अभी तो पेपर का तैयारी चल रहा है, तो थोड़ा 10-15 मिनट। ठीक है, बाय। हेलो निकिता, ये हमारी क्लास की CR और बहुत ही अच्छी CR है, जो हम सबका ख्याल रखती है। और आज इनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि आपका एज ए CR गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत कुछ सीखने को मिला, इतने सारे अच्छे अच्छे क्लासमेट्स मिले, दैट्स द बेस्ट पार्ट। चलिए फिर आफ्टर एग्जाम मिलते हैं आप लोग से। हेलो सिमरन, कैसी हो, कैसा चल रहा है तैयारी? कुछ नहीं पढ़ा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है तैयारी। चलिए ठीक है, फिर एग्जाम के बाद मिलते हैं। ठीक है, अभी तैयारी कर लीजिए आप। हेलो सर, हेलो सर, आप ब्लॉग में हैं? और ये हमारे बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही हाँ। और फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद, टाइम है ना सबके पास? एग्जाम का टाइम है 2 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, 5 बजे निकलेंगे, 4:30 बजे निकलेंगे, यहीं पर रहेंगे। ठीक है, बात क्या है कि आज लास्ट पेपर है और लास्ट डे है पेपर का, आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। और ये हेलो ब्रदर, कैसे हो? अभी तो मैं दे के आया हूँ, कोई बात नहीं, फिर से दे देंगे, खींचने का टाइम। और बाकी लोगों का वीडियोस इस वीडियो के लास्ट में है, क्योंकि दूसरे दिन भी ब्लॉग शूट हुआ था हमारे सेक्शन 12 के बच्चों का, तो उसमें आप लोग देख लेना, इसी वीडियो में शायद मैं ऐड कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे ए ब्लॉक का लाइब्रेरी में एंटर किया हूँ, तो अभी ए ब्लॉक का लाइब्रेरी में एंटर करने के बाद यहाँ पे आईडी कार्ड स्कैन करके अंदर जाने का प्रावधान है, तो बिना स्कैन करे आप नहीं जा सकते हो, स्कैन करोगे फिर भी तब जाओगे आप। और ये कितना खूबसूरत सा लाइब्रेरी है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ए ब्लॉक का जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं हमारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, जितने भी ब्लॉक्स हैं सब में एक एक लाइब्रेरी है। फिलहाल ये ए ब्लॉक का लाइब्रेरी आप बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे सारे कोर्स से रिलेटेड आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहे एमबीए के स्टूडेंट हो या फिर सीएस स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, बीबीए, बीसीए, सारा बुक्स आपको यहाँ पे एक एक बुक अवेलेबल हो जाएगा आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है ये ए ब्लॉक की। सिर्फ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और आपका
बी ब्लॉक भी है, आपका सी ब्लॉक भी है, सारे ब्लॉक्स में इससे भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारा लाइब्रेरी का। हम लोगों को जब भी टाइम मिलता है स्टडी करने का तो यहीं पे आकर के स्टडी कर लेता हूँ। अब चलिए ए ब्लॉक के पीछे की ओर से बाहर निकलते हैं। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच से ये कैफेटेरिया की तरफ ये जो रास्ता चला गया है, कैफेटेरिया जहाँ पे हम लोग अगर लंच के टाइम में खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है, और यहाँ पे कैश नहीं लिया जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो हम लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं लोगों को। मान लिया अगर कुछ समोसे वगैरह खाना हो गया, पेटीज़ वगैरह खाना हो गया, तो यहीं से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट। और अभी ये ब्लॉक बी में एंट्री करते हुए, क्योंकि बहुत ही सिमिलर सा ब्लॉक ए का है बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये ब्लॉक बी में अभी हम लोग फ़िलहाल हैं। तो ब्लॉक बी का भी नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा ब्लॉक ए है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ का लाइब्रेरी तो एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि वैसा ही है, तो एक ही चीज़ को क्या ही दो बार एक्सप्लोर करना, लाइब्रेरी तो एक बार हो ही गया है ए ब्लॉक का। तो ये सामने देख सकते हैं रेड कलर का मेरे को इलेक्ट्रिक बस दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये हम लोग के गलगोटिया स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया है, और ये जितना भी देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्रॉफीज़ वगैरह दिया जा रहा है, ऐसा कुछ फ़ोटोज़ आप सामने देख सकते हैं। और ये बहुत सारी अचीवमेंट हैं गलगोटियास फैकल्टी के द्वारा, गलगोटियास के द्वारा तो कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह। ये एप्पल का लैब देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ एप्पल से रिलेटेड, ये सीपीयू मॉनिटर्स जितना भी डेस्कटॉप वगैरह सब देख सकते हैं एप्पल का है। तो ब्लॉक बी में ये लैब जो था अभी एप्पल का जो आपने देखा, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरे को लगा क्योंकि वो अभी अभी खुला ही था हम स्टूडेंट्स के लिए। और फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अचीवमेंट वगैरह है, और यही इलेक्ट्रिक बस है। और ये जो आप रास्ता आप देख रहे हो ब्लॉक बी में ही, ये चला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के एंट्री करते हैं, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया है। यहाँ पे भी आप एंट्री के पहले देख सकते हो कुछ अचीवमेंट वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ से एंट्री करते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कितना बड़ा है और कितना ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जितना भी कैंपस एरिया है सबका यहाँ पे वो मतलब उसको क्या कहते हैं उसका मॉडल बनाया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को लेके आते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो यहीं पे बैठ करके वेट करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ ये पूरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मॉडल है जो आप ऊपर से मतलब ये देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको अच्छे से। अभी फ़िलहाल इसमें से कंस्ट्रक्शन का काम कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो कुछ कुछ ब्लॉक्स अभी क्रिएट होना बाकी है, तो फ्यूचर में एज अ फ्यूचर क्रिएट होगा। सब पार्किंग एरिया है, और ये सब आपका बैडमिंटन वगैरह स्पोर्ट्स एरिया है यहाँ पे। और जस्ट साइड से यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे क्रॉस करते हुए दिखाया गया है। तो ये रहा हमारा कुछ इस तरह का ब्लॉक सी है। तो इसको पूरा एक्सप्लोर तो करने में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा चला जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें भी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, वैसे ही ऑडिटोरियम्स हैं। तो ऑडिटोरियम्स का मैं बंद था तो मैं दिखा नहीं पाया। और ये फाउंटेन्स के अपोजिट साइड ही बड़ा वाला जो ऑडिटोरियम है वो है। और इस तरह का कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ मॉडल बनाया गया है जो फ्यूचर में एज अ बने हमारे गलगोटिन में। हमारे जो सामने देख रहे हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक डी है, और ब्लॉक डी है उसमें बॉयज़ हॉस्टल भी है।
ब्लॉक डी में भी आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत सा ये भी है। बट इसके साथ साथ इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। मैं जो बॉयज हॉस्टल है उसका ये कैंटीन एरिया है, यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, मेस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे बॉयज हॉस्टल के स्टूडेंट लोग आकर के खाना खाते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये बंद है क्योंकि शाम को ये ओपन होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट मिडिल में, ब्लॉक डी का जस्ट मिडिल में यहाँ पे प्ले स्टेशन बनाया गया है। बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे बॉयज हॉस्टल के लोग यहाँ पे आकर के गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं शाम के टाइम। तो चलो भाई लोग, कॉलेज का टूर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर से हमारे जो बचे खुचे फ्रेंड्स रह गए थे। इसके बाद जितने भी क्लिप्स आएंगे वीडियोस की, उसमें सारे के सारे आ रहे हैं। और ये हमारे मिराज अली, शिवा, ये वीडियो शायद आखिरी होने वाला है क्योंकि इसके बाद हमारे सेक्शन के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे ब्रांचेस के हिसाब से अपने अपने अलग अलग सेक्शंस में चले जाएंगे। तो चलिए मिलवाते हैं हमारे कुछ और दोस्तों से। इंट्रो दो अपना, बोलो। और भाई साहब, साहब आपका क्या नाम है? ये सब हमारे क्लास के बच्चे हैं। ये हमारा नीरज हो गया और ये हमारे मोनू हैं जो हमारे क्लास के बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट में से आते हैं। और ये साक्षी, सॉरी श्रद्धा, और ये हर्षित जो हमारे क्लास के बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट में से आते हैं। बहुत बुरा ब्लॉगर है गाइस। और ये सिमरन, हेलो हेलो सोनाली, कैसी हो? आज का कैसा डे आप लोग को, मतलब कैसा लग रहा है आप लोग, कैसा फील कर पा रहे हैं? हाँ देख सकते हैं। और ये हमारे मिराज हैं जो बहुत ही हमारे बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं, ये भी हमारे बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं। और ये तपिस एंड ये दोस्तों, आप ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हो ये पहले ही मैंने अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम के पहले शूट करके अपलोड कर दिया था। मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे सेक्शन 12 के जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ पढ़ने वाले, जो एक साल से पढ़ते आ रहे हैं, वो एक ही वीडियो में आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज से 5 साल भी अगर बाद भी अगर ये वीडियो को देखूंगा तो एक याद रहेगी, याद के तौर से की तरफ से ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो का शूट करने का, मतलब। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत सैड भी फील हो रहा है क्योंकि अब यहाँ से तो मैं चला जाऊँगा इन लोगों को छोड़ के। चलेगा फिर खुर्रे। और ये सचिन हमारे बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हैं आज के। और ये श्रुति जो क्या करी, बहुत शर्माती है। और सब आइए, ये भी बहुत ज़्यादा शर्माती है। और ये क्या कर रही है, देखिए इस लड़की को, ये हमेशा इधर ही उधर ही। और ये हमारा कॉलेज, my heart।